नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीवन 24। राजनांदगांव के जिस स्टेट स्कूल मैदान से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के खिलाफ चुनावी हुंकार भरी थी, आज उसी स्टेट स्कूल मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को घेरा। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रैली एवं जनसभा में शामिल होने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत एवं सत्यनारायण शर्मा के साथ पहुंचे और भाजपा पर जमकर हल्ला बोला। क्या कुछ कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह के राज में किसान पलायन, आत्महत्या और गर्भवती महिलाओं का गर्भाशय निकाला जाता था, आंख फोड़ कांड होता था। अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका दिया जाएगा, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में हुआ। गृह मंत्री व प्रधानमंत्री लबारी मार रहे हैं, किसानों के साथ छल कर रहे हैं। हर वर्ष बढ़कर हमने धान खरीदी की, पीएम और गृह मंत्री के दिलो दिमाग में अडानी बसा हुआ है, इसलिए देश की संपदाओं को अडानी को बेचने निकले हैं। अगर धोखे से भाजपा आ गई तो आपको मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएगी। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भाषण चल रहा था, दूसरी तरफ महिलाओं की कुर्सियां खाली हो चुकी। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि उल्टा लटका कर सीधा करने की बात का जवाब देते हुए अपने राज में किसानों को उल्टा लटकाने का काम किया। अगर लटकाना है तो रमन सिंह को लटकाओ, जिनके कार्यकाल में 3,600 करोड़ का नान घोटाला हुआ। चारों सीट को जीतने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। सभा को विधानसभा अध्यक्ष एवं सत्यनारायण शर्मा ने भी संबोधित किया। किसी के सामने दिखाओ ना, तीन उंगली खुद के तरफ होती है। मैं नहीं कहना चाहता वो प्रताप बढ़िया है, मैं नहीं कहना चाहता वो ठाठापुर से यहाँ आया है। यदि गिरीश देवांगन जी को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत किया है, रमन सिंह जी खुद समर्थक क्यों नहीं ले रहे चुनाव? कभी डोंगर गांव जाते हैं, कभी नांद गांव आते हैं, उन्होंने नकार दिया। अब एक सीट बची है राजनांद गांव की और रमन सिंह की, इस समय वो सीट जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी खास। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जीवन 24।